हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विशाल टिड्डी दल ने फसलें की चौपट बर्बाद हुए किसान। क्षेत्र के पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्र में रविवार शाम को आए विशाल टिड्डी दल ने खेतों में खड़ी फसलों को चट कर दिया, जिससे किसान बर्बाद हो गए। रविवार शाम को लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा व 4 से 5 किलोमीटर लंबे टिड्डी दल ने खेतों में खड़ी फसलों पर धावा बोलकर चट करना शुरू कर दिया। अचानक हुए टिड्डी दल के हमले से किसान चिंतित हो गए और वो अपनी फसलों को बचाने हेतु लोहे के टीन व अन्य बर्तन लेकर खेतों की तरफ भागे और टिड्डी को उड़ाना शुरू किया। यही नहीं, किसानों ने टायर व घास जलाकर धुआं भी किया, लेकिन शाम होने व अंधेरा पड़ने के कारण टिड्डी दल ने उड़ान नहीं भरी और खेतों में ही पड़ाव ले लिया। विशाल क्षेत्र में बैठे टिड्डी दल ने रात भर में खेतों में खड़ी मूंग, तिल, बाजरा, ज्वार आदि की फसलों को चट कर दिया और खेतों में ही अंडे दे दिए। हालांकि रात भर किसानों ने टिड्डियों को उड़ाने की कोशिश की, पर वो असफल रहे और सुबह होते ही खेतों की हालत देखकर किसान रुआंसी हो गए। टिड्डी आने की सूचना पर कृषि विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण वो भी बेसहारा हो गए। फसल बुआई के बाद अच्छी आमदनी का सपना संजोए बैठे किसानों पर प्रकृति के इस घातक प्रहार ने बर्बाद कर दिया। रुआंसी किसानों ने सरकार से उचित बीमा क्लेम पास करवाने व आर्थिक सहयोग देने की मांग की है, जिससे कि उनको कुछ आर्थिक संभल मिल सके। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।